हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज असेसमेंट पर। आज हम बात करेंगे टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज की, जो कि 2022 में जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में रिलीज होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है एक्शन कॉमेडी मूवी बुलेट ट्रेन। डेविड लीच ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले हॉब्स एंड शॉ और डेडपूल 2 जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। मूवी की स्टोरी 5 असैसिन्स के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक ब्रीफकेस को चुराना चाहते हैं, और वो ब्रीफकेस बुलेट ट्रेन में रखा हुआ है। उस ब्रीफकेस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं? इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में लीड रोल प्ले किया है ब्रैड पिट, सैंड्रा बुलक और जॉय किंग ने। 5 अगस्त को ये मूवी हिंदी में रिलीज होगी। छोटा बच्चा है क्या? नंबर 9 पर है एक्शन थ्रिलर मूवी द ग्रे मैन। रूसो ब्रदर्स ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले इन्फिनिटी वार और एंड गेम जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। मूवी की स्टोरी एक सीआईए एजेंट पर बेस्ड है, जो कि सीआईए के डार्क सीक्रेट्स को रिवील करता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को मारने के लिए कुछ लोगों को हायर किया जाता है। क्या वो लोग उसको मारने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है रायन गॉसलिंग, क्रिस इवांस और धनुष ने। ये मूवी नेटफ्लिक्स की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है, जिसका बजट $200 मिलियन है, और इस मूवी को 22 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 8 पर है स्पाई एक्शन कॉमेडी मूवी ऑपरेशन फॉर्चून। शेरलॉक होम्स और रेथ ऑफ मैन के डायरेक्टर गाय रिचल ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। मूवी की स्टोरी एक अंडरकवर स्पाई एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको कि $1 बिलियन की वेपन डील को रोकना है। क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। जेसन स्टैथम ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। मूवी की रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, बट ये मूवी 2022 में रिलीज होगी। Yes, or yes, you were seen by someone. Yes. नंबर 7 पर है अमेरिकन सुपर हीरो मूवी ब्लैक एडम। जॉमे कॉलर सेरा ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले जंगल क्रूज और द शैलोस मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। मूवी की स्टोरी डीसी कॉमिक्स के सुपर हीरो कैरेक्टर ब्लैक एडम पर बेस्ड है, जिसको कि मिस्र के देवताओं से पावर मिलती है, जिसके बाद वो अपने तरीके से जस्टिस करता है। क्या वो हीरो है या विलन, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ड्वेन जॉनसन ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया। ये मूवी 21 अक्टूबर को हिंदी में रिलीज होगी। अब मैं किसी के आगे नहीं झुकता। नंबर 6 पर है कोरियन एक्शन वार मूवी हंसन इमर्जेंस ऑफ ड्रैगन। किम हान ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले कोरिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एडमिरल रोरिंग करेंट्स को डायरेक्ट कर चुके हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर हिंदी मिल जाएगी। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। इस मूवी की स्टोरी बैटल ऑफ हंसन पर बेस्ड है, जो कि किम ट्रायोलॉजी का सेकंड पार्ट है। ये मूवी 27 जुलाई को रिलीज होगी। हो सकता है कि इस मूवी को इसी साल हिंदी में ओटीटी पर रिलीज किया जाए। नंबर 4 पर है अमेरिकन सुपर हीरो मूवी सजाम फ्यूरी ऑफ गॉड, और ये मूवी सजाम मूवी का सीक्वल है। डेविड सैंडरबर्ग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट भी डायरेक्ट कर चुके हैं। मूवी की स्टोरी एक टीनेज बॉय बिली के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको कि एक जादूगर से सुपर पावर मिलती है, जिसके बाद वो दुनिया की बुरी ताकतों से लड़ता है। क्या वो इसमें कामयाब हो पाता है या नहीं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। 21 दिसंबर को इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया जाएगा। नंबर 5 पर है साइंस फिक्शन एक्शन मूवी प्रे। ये मूवी प्रीडेटर फ्रेंचाइज का प्रीक्वल है। डैन टेस्टनबर्ग ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले 10 क्लोवर फील्ड मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। मूवी की स्टोरी कमांच वारियर नारू के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि स्पेस से आए हुए पावरफुल प्रीडेटर से लड़ती है और अपनी जनजाति के लोगों को बचाने की कोशिश करती है। क्या वो उसको मारने में कामयाब हो पाती है या नहीं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। 5 अगस्त को इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 3 पर है डार्क फैंटेसी एक्शन मूवी द प्रिंसेस। जॉय किंग ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है, जिनको हम द किसिंग बूथ मूवी में देख चुके हैं। मूवी की स्टोरी एक प्रिंसेस के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक सोशियोपैथ किंग से शादी करने को मना कर देती है, जिसके बाद उसको और उसके पिताजी को कैद कर लिया जाता है। क्या वो अपने पिताजी को बचा पाती है या नहीं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी इसी साल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। नंबर 2 पर है अमेरिकन नोवार एक्शन मूवी डिवोशन, और ये मूवी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। इस मूवी की स्टोरी अमेरिकन कमांडर जेसी ब्राउन और टॉम हडनर पर बेस्ड है, जो कि कोरियन वार में अमेरिका की तरफ से लड़े थे, और इस मूवी में उनके हीरोइज्म, फ्रेंडशिप और सेक्रीफाइस को दिखाया गया है। अगर आपको हिस्टोरिकल मूवीज पसंद हो तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। इस मूवी को 14 अक्टूबर को इंग्लिश में रिलीज किया जाएगा। दिस इज वॉर। नंबर 1 पर है मोस्ट अवेटेड साइंस फिक्शन मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर। जेम्स कैमरून ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले टाइटैनिक मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं, और ये मूवी अवतार मूवी का सीक्वल है, और इस मूवी में पेंडोरा ग्रह के वाटर लाइफ को एक्सप्लोर किया गया है, और ये मूवी 16 दिसंबर को हिंदी में रिलीज होगी। मुझे यकीन है हम जहां भी हों ये परिवार हमें सुरक्षित रखेगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवीज असेसमेंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेस्ट कॉन्टेंट मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।